तीन दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे अमित शाह। दो मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर हुई बातचीत। शनिवार से होगी यात्रा की शुरुआत। मुंबई के लालबाग इलाके में बहुमंजिला इमारत में लगी थी भीषण आग। एक व्यक्ति की मौके पर मौत। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में तालाब में पलटी बस। ग्रामीणों ने बच्चों को बस से निकाला बाहर। तालाब का पानी सड़क पर आने से हुआ भीषण हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हेलीकॉप्टर से नारायण बगड़ के डुगरी गांव पहुंचे, जहां बीते 19 अक्टूबर को दो लोग मलबे की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद एसटीआरएफ की ओर से दोनों की खोजबीन की जा रही है। जिसके बाद शुक्रवार को सीएम ने लापता लोगों के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको बता दें कि बीते दो दिन में उत्तराखंड में भारी त्रासदी देखने को मिली है। कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई लोगों की जान चली गई, करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। साथ ही साथ सांत्वना दी है कि हर संभव मदद जो है वो पीड़ित परिवार को की जाएगी। तो चमोली की तस्वीरें, पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, सीएम ने लापता लोगों के परिजनों को सांत्वना दी है। साथ ही साथ कहा है कि जो भी संभव मदद है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे हैं और ये महिला किस तरह से रोती बिलखती नजर आ रही है। उन्हें ढांढस बंधाते हुए पुष्कर सिंह धामी यहाँ नजर आए। नहीं, बड़ी बड़ी दुख की बात है, बड़ा दुख हुआ है हम लोगों को यहाँ पहुँच के कि हमारे इस गांव के लोग, दो लोग असमय जो है काल के काल में समा गए हैं। और 19 तारीख की जो आपदा आई थी उसमें दोनों लोग मलबे में दब गए हैं। हम लोग परिजनों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हर संभव सरकार की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का भी भविष्य में जो है हर प्रकार से देख रेख हो, उसकी हम लोग चिंता करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य है कि सबसे पहले कि वो बॉडी हमारी रिकवर हो, क्योंकि सारे रास्ते अभी बंद हैं। हम लोग आज मीटिंग करने वाले हैं, मीटिंग के बाद इसमें देखेंगे कि कैसे रास्ता। उधम सिंह नगर के खटीमा के ग्राम पूनापुर में दो दिन हुई भारी बारिश से निचले क्षेत्रों में हुए जल भराव के कारण किसानों की धान की फसल बाढ़ के पानी से खराब हो गई है। इस पर किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। किसानों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जिन निचले क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है उनको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर जल्द से जल्द प्रशासन की तरफ से मुआवजे का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। उधम सिंह नगर की तस्वीरें, दो दिन लगातार भीषण बारिश हुई जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में किसानों की धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दरअसल उधम सिंह नगर के खटीमा के ग्राम पूनापुर में तेज़ बारिश के कारण जलभराव हो गया, उसकी वजह से किसानों की धान की फसल बाढ़ के पानी से खराब हो गई है। इस पर किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो ऐसे में वो अपील कर रहे हैं कि जिन निचले क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है उनको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर जल्द से जल्द प्रशासन की तरफ से मुआवजे का आंकलन कर किसानों को मुआवजा दिया जाए ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। तो कटने वाली फसल है लोगों की, अभी पानी बरसात तीन दिन चलता रहा बहुत ज़्यादा। 5 एकड़ तो मेरा धान डूबा पड़ा धान के पानी के बीच में, धान बहुत हुआ है। जल भराव अभी भी है क्योंकि आगे निकासी का कोई साधन नहीं है और ऐसे ही फसलें खराब हो रही हैं। फसलों के ऊपर से पानी चल रहा है। लगभग 40% अभी फसल कटी थी और 60% इस समय फसल बाकी थी हमारी कटने वाली, और आप देख सकते हैं कि वो फसल बिल्कुल इस समय पानी में डूबी हुई है। बीते दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल गया है। बारिश का सारा पानी मैदानी क्षेत्रों में आने से एक बार फिर किसानों की फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं।
नीलधारा गंगा भले ही धीरे धीरे शांत हो रही हो, लेकिन गंगा से बाहर निकले पानी ने किसानों की तकदीर में एक बार फिर तबाही की कहानी लिख दी है। पिछले कुछ समय पहले आई बाढ़ के पानी से फसल की बर्बादी का दर्द किसान भूल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर अचानक आई इस बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। वहीं लक्सर और खानपुर के किसानों का कहना है कि फसलों की हालत बेहद खराब हो चुकी है और इस बारिश ने धान और गन्ने की फसल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। साथ ही कई ऐसी फसलें हैं जिनकी बुआई होनी थी वो भी नहीं हो सकी है। किसानों का ये भी कहना है कि अचानक आई इस बारिश गेहूं की फसल की बुआई पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। तो लक्सर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भीषण बारिश होने से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से जलभराव हो गया है, जिसके चलते फसलें तबाह हो रही हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में लगातार देखने के लिए मिल रहा है। बारिश का सारा पानी मैदानी क्षेत्रों में आने से एक बार फिर किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। नीलधारा गंगा धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन गंगा से बाहर निकले पानी से किसानों की तकदीर में एक बार फिर तबाही की कहानी लिख दी है। पिछले कुछ समय पहले आई बाढ़ के पानी से फसल की बर्बादी का दर्द किसान भूल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर से अचानक आई इस बारिश ने किसानों की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लक्सर और खानपुर के किसानों का कहना है कि फसलों की हालत बेहद ख़राब है और इस बारिश से धान और गन्ने की फसल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसी फसलें जिनकी बुआई होनी थी वो भी नहीं हो सकी है। किसानों का ये भी कहना है कि अचानक आई इस बारिश का गेहूँ की फसल की बुआई पर गहरा असर पड़ रहा है। बहुत हुआ है फसलों का, गरीब आदमियों का बहुत नुकसान हुआ और सरकार इसका मुआवजा दे गरीब आदमियों को तो बहुत अच्छी बात रहे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पंगा ही पंगा पड़ी सारे जंगल में, फसल दब गई लोगों की, मुंजी भी गैरत होगी लोगों की, गन्ना भी सब खत्म ही हो लिया। अब पानी तो अभी कम हुआ थोड़ा सा, और ना आए तो और आगे से अच्छा है, नहीं तो फिर और ज़्यादा भारी नुकसान होगा। रास्तों की क्या हालत है? रास्ता सब बेकार है, जो मोटरसाइकिल आ रही है सब धस रही है, रास्ते पे ज़्यादा पंगा पड़ी हुई है। बहुत आकाश हो रहा है, मंजिल खत्म होगी तो किसने खरीद कितने को खत्म होगी, पंगा फिर भी पानी फिर गया, खूब नुकसान होगा बहुत। क्या करें तो कह रहे वाला का और थोड़ा सा जो अगर मोदी जी अगर कुछ कासार के बारे में सोच लें तो जैसे नुकसान तो बहुत भारी हुआ। कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ से, ना कोई मुख्यमंत्री जी महाराज। नैनीताल के बिड़ला स्कूल के पास कुमाऊं लॉज में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते पांच परिवारों का मकान पूरी तरह से धराशाही हो गया था। वहीं इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वरिष्ठ बीजेपी नेता अरविंद परियार ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नैनीताल वासियों से इस दुख में साथ देने की अपील की है। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मूसलाधार बारिश से पांच परिवारों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं, निरीक्षण किया है, साथ ही साथ नैनीताल वासियों से अपील की है कि वो इनकी मदद करें और मदद के लिए लगातार सामने आते रहें। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे थे, परिवार को आश्वासन दिया था, साथ ही साथ 10 से 12 दिन का राशन भी यहाँ पर वितरित किया था। मूसलाधार बारिश से पाँच परिवारों का मकान पूरी तरह से धाराशाही हो गया था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं, निरीक्षण किया है कितना नुकसान हुआ है और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। साथ ही साथ ये अपील की है कि जो भी नैनीताल वासी हैं वो लगातार इनकी मदद करते रहें, मदद के लिए आगे आते रहें। पिछले दिनों जो लगातार 3 दिन से बारिश हुई, जिसमें लगातार आपने देखा उत्तराखंड में और साथ में नैनीताल ज़िले में जिस प्रकार की दैवीय आपदा आई है, और कल से भारतीय जनता पार्टी का एक दल सभी जगह नैनीताल के नगर क्षेत्र में जहाँ जहाँ आपदा आई है उन क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है। उसके तहत कल हम कृष्णापुर, हरिनगर और सारे क्षेत्रों में गए थे और आज उसी दल ने बिड़ला के पास कुमाऊं लॉज एक जगह है जहाँ पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इतनी बड़ी आपदा वहाँ पर आई हुई है। वहाँ पे लगभग 5 परिवार जो सिर्फ जिनके पास आज उनका अपना जीवन बचा हुआ है, एक सांस बची हुई है, और उनके घर का सारा सामान, राशन पानी, उनके पहनने के कपड़े, उनके रोज़मर्रा की चीज़ें, सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं और उन घरों की, उन परिवारों की आज वर्तमान में बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है।
मैं समाज के सभी लोगों से निवेदन करूंगा इस पल में उन परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करना है और नैनीताल नगरवासियों से विशेष अपील करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में उनका सहयोग करके और उनके लिए आर्थिक रूप से और उनके लिए खाद्य सामग्री पहुँचा करके, उनके लिए पहनने ओढ़ने की चीज़ें पहुंचा करके अब सब लोग सहयोग करें। उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। मैं सभी लोगों से निवेदन, सरकार से भी हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को त्वरित सामग्री और खाद्य सामग्री और सारी सामग्री पहुंचाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आंगनवाड़ी केंद्र थारू तिसौर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से चलाई गई योजना महालक्ष्मी किट बांटी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से चलाई गई योजना में सभी लोगों ने क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थारू तिसौर ग्राम प्रधान धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में महालक्ष्मी किट बांटी गई है। वहीं सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महिलाओं ने आभार व्यक्त किया और कहा कि उत्तराखंड में बहुत अच्छी योजना चलाई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उधम सिंह नगर से, जहां पर महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र में ये जो महालक्ष्मी किट बांटी जा रही है ये फायदेमंद है और इस तरह की अन्य जो योजनाएं हैं जो पूरी तरह से लाभकारी हैं वो भी लगातार सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिससे वो बेहद खुश हैं और मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त कर रही हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। विद्यालय में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने 9वीं कक्षा की बालिकाओं को मैथ्स पढ़ाई और मैथ्स से संबंधित जरूरी टिप्स भी बालिकाओं को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड काल में शिक्षा कार्य प्रभावित रहा है, जिस कारण शैक्षणिक कार्यों में अंतराल आया। इस अंतराल को पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है ताकि छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। तो उत्तरकाशी में छात्रों को मैथ्स के टिप्स दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जिलाधिकारी ने विद्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही साथ बच्चों को मैथ्स भी पढ़ाया है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस कोरोना काल में एक बड़ा अंतराल जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आ गया है। ऐसे में इस गैप को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उनका कहना है कि बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए पहले पढ़ने की जरूरत है। आज गर्ल्स इंटर कॉलेज में इंस्पेक्शन भी किया गया और यहाँ पर जो हमारी बच्चियाँ पढ़ाई कर रही है 9th क्लास की, उनके साथ जो मैथ्स की क्लास चल रही थी उसमें क्या उनके शिक्षा का स्तर क्या चल रहा है, कौन से चैप्टर्स, कौन सी प्रॉब्लम्स उनको अभी आ रही है मैथ्स में, क्योंकि कोविड के बाद जब स्कूल खुले हैं तो काफ़ी एजुकेशन में ऐसा गैप आया है जिसको कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी में बच्चियों के साथ कुछ समय बिताकर उनके साथ मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की, उनको मोटिवेट किया कैसे मैथ्स को और अच्छे से पढ़ा जा सकता है, उसके बारे में उनको कुछ टिप्स दिए और निरंतर इसमें और भी अधिकारियों को मोटिवेट करेंगे हम लोग कि वो किसी न किसी स्कूल में जाके एक कक्षा लें। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि अधिकारी स्कूल विजिट करें, इससे कहीं ना कहीं स्कूल की कार्यशैली में भी इम्प्रूवमेंट आता है और एक जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, उनको भी मोटिवेशन मिले। केदारनाथ यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव सोनप्रयाग में तीर्थयात्रियों की भीड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। यहां पर हजारों की तादाद में लोग सोनप्रयाग पुल से गुजर रहे हैं। दरअसल 3 दिनों तक पहाड़ी जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया था। ऐसे में तीर्थयात्री जगह जगह फंसे हुए थे। तीर्थयात्री 17, 18 और 19 अक्टूबर तक यात्रा बंद होने के कारण रुके हुए थे। ऐसे में जब 20 अक्टूबर को केदारनाथ यात्रा को खोला गया तो सोनप्रयाग यात्रा पड़ाव में तीर्थयात्री की हजारों में भीड़ जमा हो गई। ये वीडियो उस दौरान का है जब केदारनाथ यात्रा को खोला गया और तीर्थयात्री बड़ी संख्या में सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए निकलते हुए नजर आए। तो इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। रुद्रप्रयाग में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो नजर आ रहे हैं। दरअसल मूसलाधार बारिश की वजह से 3 दिनों तक यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत हुई। ऐसे में भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है। रुद्रप्रयाग में तीर्थयात्रियों से ओवर रेट की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने होटल, लॉन्ज और ढाबों का निरीक्षण किया और इन्हें संचालित करने वाली व्यवसायियों को नियमानुसार रेट लिस्ट लगाने सहित
कई हिदायतें दी हैं। बता दें कि केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से व्यापारी ओवर रेट वसूल रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम को जिले में संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान आपदा में लगातार मनमाने दाम वसूलने की शिकायतें लगातार प्रशासन को मिल रही थी, तो ऐसे में अब एक्शन लिया गया है। श्रद्धालुओं से जो मनमाने दाम वसूले जा रहे थे, इसको लेकर अब जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। होटल, लॉन्च और ढाबों पर जाकर ये कहा जा रहा है कि जो रेट लिस्ट है वो तय की जाएगी और वो रेट लिस्ट उसी आधार पर लगेगी, ताकि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी पर्यटक को मनमाने पैसे ना देने पड़े। बताना चाहूँगा इसमें जो बीच में हमारे यहाँ पे दो दिनों का मौसम का अलर्ट आया था, तो उसमें यात्रा करवाना संभव नहीं हुआ था, जिस कारण से अत्यधिक मात्रा में लोगों को नीचे विभिन्न पड़ावों में रुकना पड़ा था। उस समय पे कुछ जगह से हमारे पास महंगाई की शिकायतें आई थी, परंतु तत्काल उस पे रिस्पॉन्स करते हुए SDMs ने क्षेत्र में जो है जगह जगह जाके ढाबों पे, होटलों पे, रेस्टोरेंट्स पे कार्रवाई भी कर ली है। सबको चेतावनी जारी कर दी है, उनसे आवश्यक बैठ के करनी है कि कहीं से भी यदि ओवर रेट की शिकायत किसी के पास भी आती है वो तत्काल पुलिस और प्रशासन को बताए, ताकि जिस पे कार्रवाई हो सके। और उसके अलावा रेट लिस्ट चस्पा करना और आवश्यक दिशा निर्देश देना, इस प्रकार की समस्त कार्रवाई कर ली गई। रुद्रप्रयाग में पंचकेदारों में तृतीय केदार के धाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ यात्रा के आधार शिविर चौपता में इको पर्यटन विकास समिति के सहयोग से स्थानीय घोड़े खच्चर संचालकों ने घोड़ा खच्चर मालिक संगठन चौपत तुंगनाथ का गठन किया है। संगठन का गठन होने से अब तुंगनाथ और चंद्रशिला जाने वाले तीर्थयात्रियों और सैलानियों को पहले की तरह मुमांगी रकम के बजाय निर्धारित दरों पर घोड़े खच्चर आसानी से मिल सकेंगे। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप बता दें कि यहाँ पर निर्धारित दरों पर घोड़े खच्चर अब उपलब्ध किए जा सकेंगे। आप बता दें कि रुद्रप्रयाग में पंचकेदारों में तृतीयकेदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ यात्रा के आधार शिविर चौपता में इको पर्यटन विकास समिति के सहयोग से स्थानीय घोड़े खच्चर संचालकों ने घोड़ा खच्चर मालिक संगठन चौपत तुंगनाथ का गठन किया। संगठन का गठन होने से अब तुंगनाथ और चंद्रशिला जाने वाले तीर्थयात्रियों और सैलानियों को पहले की तरह मुमांगी रकम के बजाय निर्धारित दरों पर घोड़े खच्चर अब आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। बहुत से में प्रयास ये हैं कि यहाँ पे जो घोड़ा खच्चर चल रही है ये पूरे यहाँ सुविधा दे रही है, और इसके साथ पर्यटन और जो क्षेत्र हमारा इको सेंसिटिव है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कर रही है। घोड़े खच्चर ऊपर जाके वहाँ से पॉलीथीन उठा कर नीचे ला रहे हैं, हम उसको नगर ऊँखी मठ कर रहे हैं। उससे में हम चाहते हैं इस ट्रैक को बहुत आसान बनाया जाए ताकि से ज्यादा पर्यटक यहाँ आ सके। ये नहीं कि जैसे भी मतलब यूनियन पर जो भी घोड़े खच्चर जो चलते हैं वो सीरियल से चलते हैं, और यहाँ 1100 है हमारा जो है रेट है, आना जाना 700, उसके बाद जो है हमारा कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। बलरामपुर में बौद्ध परिपथ के पास टोल प्लाजा पर एक कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। वहीं हादसे में दो व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बलरामपुर की तस्वीरें, कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। तो बलरामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला, जहां पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर होने से भीषण हादसा हो गया। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कुशीनगर में सार्फा व्यवसायी पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और 80,000 नकदी बाइक लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कुशीनगर का यह पूरा मामला जहां बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, सार्फा व्यवसायी से लूटपाट की, 50,000 की नकदी और बाइक लेकर बदमाश फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। लखीमपुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। बता दें कि बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जिले के कई गांव में पानी भर गया है। वहीं यहां लोग सड़कों पर ट्रॉली लगाकर रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं। वहीं इसके अलावा कई गांव के संपर्क कटने के बाद परिवहन व्यवस्था भी बाधित हो चुकी है। साथ ही इस पानी से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। लखीमपुर का ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ से प्रभावित लोग नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। घर पूरी तरह से डूबते हुए नजर आ रहे हैं बाढ़ के पानी में। इसके अलावा फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कई परिवार ऐसे हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली में अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। जगह है नहीं हम लोग पास, सड़क में कोई साधन भी नहीं है, इसलिए अपना खड़ा करके गाँव। ग्राम प्रधान की तरफ से कोई आपको खाने पीने की चीज़ को, पानी की व्यवस्था को, राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है? सामग्री है, रोटी मिली है सर, अभी दी गई है। हाँ, अभी दी गई है। दिनों से हो रही तराई में लगातार बारिश के बाद लखीमपुर खीरी में तराई तराई मस्ती हुई दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी के लगभग 150 गाँव में बाढ़ के पानी का कहर देखने को मिल रहा है। इस समय हम लखीमपुर खीरी के कमलापुरी गांव में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे गांव में जो है पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान गुरबाज सिंह। चलिए हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ सहायता इनके द्वारा ग्रामीणों को मुहैया कराई जा रही है। जी मसूद, उसका पहले तो मसूद ऐसा है कि इस पर इतना पानी आया है जबकि पहले कभी इतना पानी देखा ही नहीं गया था। तो कल सारा दिन तो ट्राली, रात सारी ट्रालियों की व्यवस्था करके जो ग्रामीण है इनको ट्रालियों पे रखा गया है, तिरपाल वगैरह की व्यवस्था करा के आज सुबह से ही खाने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि प्रशासन की तरफ से कोई भी नाव या कोई भी ऐसा राशन वगैरह वितरित नहीं किया गया है। जो भी है ग्रामवासियों और खुद की जो भी हमसे बन सका गाँव के लिए हमने किया हुआ है, और वही भोजन जो है इस समय वितरित किया जा रहा है। तो वहीं लखीमपुर खीरी में एसएसबी की टीम लगातार प्रयास कर रही है, और अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी जिले पीलीभीत में भी उन्होंने रेस्क्यू कर अभी 5 लोगों की जान बचाई थी। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए गौरव गुप्ता, लखीमपुर खीरी। मैनपुरी में 13 साल की किशोरी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। ये घटना तब हुई जब किशोरी अपने घर से दूर खेत पर गई थी। इसी दौरान गांव के ही युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के परिजनों ने मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शाम को 7-7 बजे के बीच में, तब वो साथ पीछे खड़ा था, मैंने कहा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो कि कुछ नहीं, तू जा जहाँ जा रही है वहाँ जा। फिर मैंने कहा कि मैं तो लड़की में जाने तो मैं हमारे पीछे आ रहे हैं, अपनी मम्मी से बोल दूंगी। फिर उसने कहा अगर बोलेगी तो तुझे मार डालेंगे। फिर उसने फिर पता नहीं मेरे मुँह में कपड़ा भर दिया, मुँह तो बांध लिया, फिर हाथ बांध लिए और फिर मेरे सिर में तो मार दिया। सिर में बहुत चोट आ गई थी, फिर हम बेहोश हो गए थे। बेहोश होने के बाद फिर मुझे पता नहीं वो कहाँ ले गया। सर हमारी लड़की सोच के लिए गई थी खेत पर, और उन दो लड़कों ने पकड़ लिए, और वो 10:30 बजे उसे छोड़ता थी, मात तोड़ भी इसकी की, बुरा काम भी इसके साथ किया, और फिर वो भाग कर हमारे पास आई है। फिर उसने बताया कि आज हुआ, फिर मोहल्ले लाइट तो 3 दिन से गांव में आ नहीं रही थी, इस सुबह से हम थाने लेके आई हूँ। थाना बेवर का मामला है, शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 13 वर्षीय बालिका के साथ गाँव के ही लोगों ने एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में थाना बेवर के मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसकी विवेचना की जा रही है, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। विवेचना के दौरान जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो मैं नामित अभियुक्त हूँ।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।